किसान मित्रों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनपोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक आज 11 मार्च 2022 वार शुक्रवार, समय हुआ है शाम को 6:30 बजे हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइथरा मंडी। इंदौर की चौइथरा मंडी की आपको तीनों जिनसों की आवक की, तीनों जिनसों का क्या रेट निकल कर आया है और इस वीडियो में आपको संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है इंदौर की चौइथरा मंडी की। साथ ही साथ आपको भारत सरकार का किसानों को बहुत बड़ा एक तोहफा मिला है आलू प्याज लहसुन को लेकर, उसके विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी अन्नदाताओं तक, किसान मित्रों तक, किसान भाइयों तक जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाल कलर की घंटी का बटन दबाकर उसे ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, रुक कर लेते हैं इंदौर की चौइथरा मंडी की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं आवक की। प्याज 35,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है। आलू की अगर बात करें तो 40 से 50,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है। वहीं लहसुन की अगर बात करें तो 40 से 50,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को हमें आज भी मिली है। अब बात करते हैं इन तीनों जिन्सों के आज के भाव की। आपको मैंने बताया था अगर एक्सपोर्ट चालू हुआ तो 100% तीनों जिन्सों में भाव बढ़ेंगे, लेकिन आज आलू और लहसुन का जो रेट है वो डाउन हुआ है। कल की तुलना में देखा जाए तो 50-50 पैसे में की नरमी आई है दोनों में, लेकिन प्याज करीब करीब 500 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है प्याज में, लेकिन वो इक्का दुक्का लाट में, बल्क में नहीं, इक्का दुक्का लाट में। चलते शुरू करते हैं वीडियो को। आलू की अगर बात करें, आलू का जो सफ़ेद आलू का गुल्ला है 2 रुपये से लगा के 6 रुपये, लाल आलू का गुल्ला है 2 रुपये से लगा के 4 रुपये। बात करते हैं पोखरा जो सुपर 6 की 4 रुपये से लगा के 7 रुपये, 7.5 रुपये लास्ट पोजीशन। LR ATL सोना चिप्स बिक रहा है 6 रुपये से लगा के 9 रुपये। वहीं बात करते हैं ज्योति की, जो बेस्ट क्वालिटी का ज्योति है सफ़ेद, उसका जो आज का रेट है, बेस्ट क्वालिटी का जो रेट निकल कर आया है 10 रुपये से लगा के 12 रुपये, 1 आठ लाट 12.5 रुपये बिका है पूरी मंडी में। लहसुन की अगर बात करें तो पुरानी जो लहसुन है मात्र 1,000 कट्टे की आवक देखने को मिली है पुरानी लहसुन की देसी। वहीं अगर भाव की बात करें पुरानी लहसुन की तो 50 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर 1500 रुपये प्रति कुंटल। देसी लहसुन, नई लहसुन की बात करें कच्ची लहसुन की 500 रुपये से लगा के 1500 रुपये प्रति कुंटल, और बेस्ट क्वालिटी की जो देसी लहसुन है 1500 रुपये से लगा के 2700 रुपये प्रति कुंटल। और इसमें भी मीडियम क्वालिटी की जो देसी लहसुन है वो 2300-2400 रुपये तक बिकी, और बेस्ट क्वालिटी की जो 2600-2700 रुपये का रेट पकड़ा है। ऊटी की जो बात करूँ तो ऊटी 3000 रुपये से लगा के 4000 रुपये के अंतराल में बिक रही है। तो लहसुन में कहीं ना कहीं आज डाउन हुआ है रेट, आलू में भी डाउन हुआ है। अब बात कर लेते हैं प्याज की। प्याज 50 रुपये से लगा के 200 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से छाटन बिक रहा है, 200 रुपये से लगा के 400 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से गोल्टी बिकी है। वहीं बात करें तो 500 रुपये से लगा के 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गोल्टा प्याज बिका है, 1000 रुपये से लगा के 1400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हमारा लड्डू प्याज बिका है, 1400 रुपये से लगा के 1600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हमारा जो बेस्ट क्वालिटी का प्याज है वो बिका है। अब बात कर लेते हैं जो मध्य प्रदेश का जो प्याज होता है डबल पत्ती लाल प्याज, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज होता है वो 1600 रुपये से लगा के 1800 रुपये तक बिका है। बात कर लेते हैं चांदवाड़ साइड का जो प्याज आता है, महाराष्ट्र चांदवाड़ नासिक खंडवा साइड का, वो 1800 रुपये से लगा के 1850 रुपये, 1900 रुपये का रेट है। इक्का दुक्का लाट 20 रुपये बिका है एक लाट पूरी मंडी में, एक लॉट 21 रुपये बिका है, एक लॉट 2150 रुपये बिका है मंडी में। तो ये इक्का दुक्का लाट है, लेकिन कहीं ना कहीं तेज़ी हमें आज प्याज में देखने को मिली है और बहुत ज़बरदस्ती तेज़ी देखने को मिली है। अगर ऐसे ही हमें हमारे किसान भाइयों के लिए तेज़ी अगर बनती रही तो कहीं ना कहीं मुनाफा मिलेगा हमारे किसान भाइयों को। और मेरी मोदी जी से एक और प्रार्थना है कि आप निर्यात तो शुरू कर दिया है आपने, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी गल्फ कंट्रियाँ हैं उनमें आप पहले निर्यात कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई हो और मंडियों में बिल्कुल माल की कमी आने लगे, इस टाइप से सप्लाई कीजिए, तभी जाके थोड़ा रेट बढ़ेगा और किसान की जो दुर्दशा है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है उससे वो उभर कर बाहर आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार ने भारत के सभी किसानों को एक तोहफा दिया है, बहुत बड़ा तोहफा है, और वो है आलू और प्याज का निर्यात। आलू प्याज का निर्यात चालू कर दिया है सरकार ने, खोल दिया है आलू प्याज का निर्यात। और हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि पिछले एक महीने से मैं बोल रहा था आप सभी को कि निर्यात बंद है, निर्यात बंद है, लेकिन मेरे एक यूट्यूबर भाई हैं, मेरे से तो उनके करीबन 20 गुना ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और व्यू भी अच्छे खासे मिलते हैं, मेरे से 10 गुना ज़्यादा व्यू मिलते हैं, एक नहीं मैं तो बोलूँगा 8-10 यूट्यूबर हैं, वह एक जानकारी देते हैं कि निर्यात वहाँ पर निर्यात हो रहा है, वहाँ पर सप्लाई हो रहा है,
लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, सप्लाई चेन पूर्ण रूप से बंद था, निर्यात पूर्ण रूप से बैन था, निर्यात अभी भी बैन है, लेकिन आज चालू होने का फैसला हुआ है, एक या दो दिन में निर्यात चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं लहसुन निर्यात की। लहसुन निर्यात के लिए भी सरकार ने फैसला ले लिया है, लहसुन का भी निर्यात होगा। समय लगेगा करीब करीब पाँच रोज बाद में लहसुन के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि लहसुन का भी निर्यात हो रहा है। लहसुन, प्याज, आलू तीनों चीज़ों का जैसे ही निर्यात होगा और बाहर विदेशों में ये माल जाने लगेगा, उसके बाद जो रेट है वो अच्छा हमें देखने को मिलेगा और किसानों का उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। वाकई में अच्छा लगा हो तो ज़ोरदार कमेंट कीजिएगा और चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। देखिए, पिछले कुछ महीनों से जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा था तो किसानों की ये मांग थी कि हमारे यहाँ पर, खास करके हमारे मालवा क्षेत्र में, आलू और प्याज और लहसुन बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ है और पिछले काफ़ी समय से इसका एक्सपोर्ट बंद है। उनका कहना है कि कोल्ड स्टोरेज में भी बहुत सारा आलू पड़ा है और उसकी लागत, कोल्ड स्टोरेज का किराया भी लग रहा है और आलू की जो लागत थी वो निकलना चाहिए, तो एक्सपोर्ट खोलना चाहिए। पिछले दिनों मैंने यह विषय लोकसभा में उठाया था और मैं कृषि मंत्री से मिला था और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनसे भी मिला था और उन्होंने कहा था हम सरकार से विचार करेगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब भारत से आलू और लहसुन का जो एक्सपोर्ट है वो कल से खुल गया है। अब हमारे किसान जो बहुत सारा आलू हमारे खास करके मालवा में आलू की भरमार है, कोल्ड स्टोरेज में आलू भरा हुआ है, वो अब अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये किसानों के लिए खुशखबरी है।